हेलो फ्रेंड्स, फाइंड इट हियर की एक नई वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। और आज लेके आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम जब हम सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो आपको इंडिकेशन आता है सीट बेल्ट का, साथ ही साथ एक अलर्ट टोन भी आती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। तो उसका कारण क्या है और ये कैसे फीचर काम करता है उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली आपने जैसी सीट बेल्ट पहन ली आपका नोटिफिकेशन भी गायब हो जाता है, इवन आपकी अलर्ट टोन भी गायब हो जाती है। लेकिन आप सीट बेल्ट जैसे ही उतारते हैं तो वैसे ही अलर्ट ऑन और सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन भी ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक तो मेरे पास साइन आ रहा है, जो मेरा डोर खुला हुआ है, कोई मेरा डोर खुला होगा तो वो साइन अभी नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब मैं इग्निशन में गाड़ी रखता हूँ अपनी, आप देख सकते हैं ये मैंने इग्निशन में गाड़ी रखी है और मेरे पास सीट बेल्ट का साइन आ रहा है। बाकी साइन तो आ रहे हैं, वो अभी नेगलेक्ट करते हैं। अभी हम सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का साइन देखते हैं। अब ये सीट बेल्ट का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे देखिए अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, दोनों जगह सीट बेल्ट नहीं लगी है। तो अब मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ यहाँ पे, और सीट बेल्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं ये मैंने सीट बेल्ट लगाई और साइन यहाँ पे मेरा चले गया। अब सीट बेल्ट निकालता हूँ तो साइन आ गया, और सीट बेल्ट लगाई तो साइन चला गया। ऐसे आपने देखा ये वर्क कर तो कर रहा है, लेकिन कैसे ये गाड़ी इंडिकेट कर रही है अपने आप को कि भैया सीट बेल्ट लगा ली है या कुछ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर से कभी भी जहाँ पे आप सीट बेल्ट का नॉब होता है, जहाँ पर प्रेस लिखा रहता है, वहीं पे एक वायर गई होती है। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो एक वायर जा रही होती है सीधे ECU में, जो हमारे ओडोमीटर या जिसे हम बोलते हैं MID, इसको बताती है यहाँ पे कि भैया आपका जो ड्राइवर है या को ड्राइवर साइड है वहाँ पर सीट बेल्ट लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो ये वायर आपने देखी होगी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अभी मैंने सीट बेल्ट लगाई है और मैं को ड्राइवर साइड अपने किसी को बैठाता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर को ड्राइवर साइड मैंने एक बच्चे को बैठाया, अब ये बैठा है और इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, और यहाँ पर मेरे पास इंडिकेशन आ चुका है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं ये इंडिकेशन आ रहा है। अब जैसे ही ये सीट बेल्ट लगाएगा वैसे ही वो इंडिकेशन हटने वाला है यहाँ पर से। अब ये सीट बेल्ट लग चुकी है और यहाँ से भी वायर दिख गया है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ से सीट बेल्ट का इंडिकेशन हट चुका है। अब जब यहाँ पर से ये सीट बेल्ट हटाएगा तो इंडिकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं सीट बेल्ट का इंडिकेशन आ चुका है कि सीट बेल्ट लगानी है। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये उठेगा या ये गाड़ी से हट जाएगा, ये सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन हट जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है कि हमारे को ड्राइवर साइड हमने किसी को बैठाया नहीं है तब हमारा इंडिकेशन नहीं आ रहा है, अगर हमने बैठाया है तो इंडिकेशन आ रहा है। अभी देखिए इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, आप देख सकते हैं वो सीट बेल्ट वहाँ पे है और अभी इंडिकेशन आ रहा है कि सीट बेल्ट हटाओ। लेकिन जब ये यहाँ से हट जाएगा तो इंडिकेशन भी गायब हो जाएगा। तो गाड़ी को कैसे पता चल रहा है कि हमारा को ड्राइवर साइड कोई बैठा है या नहीं बैठा है, उसके लिए बात करेंगे। तो अब ये बाहर जाएगा और देखेगा कि मैं देखूँगा कि यहाँ पर इंडिकेशन हट रहा है या नहीं हट रहा है। अब देखिए ये बाहर जा रहा है और इंडिकेशन हट चुका है, आप देख सकते हैं वो बाहर चला गया, सीट खाली हो गई है, इंडिकेशन हट गया है। तो ऐसा कैसे हो रहा है ये जानेंगे। और ऐसे ये ऐसे वर्क करता है गाइज, इस ये तो बता रहा है कि आपकी सीट बेल्ट लगी है नहीं लगी है, लेकिन ये कैसे इंडिकेट कर रहा है कि हमारा को ड्राइवर साइड कोई बैठा है तो इंडिकेशन लगाना है। एक्चुअली ये जो सीट है हमारी को ड्राइवर साइड वाली, इसके नीचे एक सेंसर लगा रहता है, जब भी हम यहाँ पर वेट जाता है तो गाड़ी को पता चलता है कि कोई ना कोई गाड़ी में बैठा हुआ है लेकिन उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन यहाँ से जा रहा है लेकिन कोई बैठा है नहीं बैठा है उसका नोटिफिकेशन इसके नीचे जो सेंसर लगा हुआ है वो यहाँ पर से जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा तो मे बी कहीं ये देखिए कभी कभी आपको दिखेगा कि जो हमारा सेंसर है वो वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे आपको पता चलेगा। अभी मैं आपको दोबारा डेमो करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी को उसको दोबारा बैठाता हूँ बच्चे को, और जैसे ही ये बैठेगा वैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि हमारा सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, ये देखिए। अब ये जैसे ही उठेगा दोबारा जाएगा वैसे ही पता चल जाएगा गाड़ी को कि यहाँ से कोई चले गया और सीट बेल्ट का नोटिफिकेशन हट गया है। तो गाइस इसे समझ में आ गया होगा कि सीट बेल्ट क्या नोटिफिकेशन हमारा कैसे काम करता है, चाहे ड्राइवर साइड हो चाहे को ड्राइवर साइड हो, ये कैसे गाड़ी को बताता है कि भैया हमारे जो ड्राइवर है या को ड्राइवर है उसकी सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है, और कैसे आपको ये अलर्ट करता है। तो होप सो गाइस वीडियो समझ में आ गई होगी कि ऐसे सीट बेल्ट काम करती है, साथ ही साथ को ड्राइवर साइड की भी सीट कैसे काम करती है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।